इस तरीके से देखते हैं हम। हाँ, उत्तराखंड में बहुत लंबे प्रतीक्षित 19 साल तो राज्य को बने हो गए, तब से प्रयास था, हम उससे पहले से प्रयासरत थे, 38 साल हमको टूर्नामेंट क्रिकेट करते हो गए। राज्य बनने के बाद हमारा प्रयास था, मुख्यमंत्री तिवारी जी रहे उन्होंने भी प्रयास किया, चिट्ठी लिखी, हमारे भावना जी रावत जी ने भी प्रयास किया, खंडू जी ने भी कहा कि नहीं मान्यता मिली जी, और त्रिवेंद्र सरकार ने, त्रिवेंद्र जी ने भी खुद चिट्ठी लिखी, अरविंद पांडे जी ने प्रयास किया, तो सामूहिक प्रयास था और इनकी एसोसिएशन भी हमारे साथ मर्ज हो गई। तो आज BCCI को उत्तराखंड जो अपेक्षित था मान्यता मिली, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, राज्य सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हमारे उत्तराखंड के जो नौजवान क्रिकेट प्रेमी बच्चे हैं जो कोई हरियाणा खेल रहा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ बाहर मजबूर थे, आज वो उनको खेलने का यहाँ सुअवसर मिलेगा, ये एक बड़ी बात थी। चूँकि एक सवाल BCCI ने हमारे साथ महाराष्ट्र में लगभग 18 साल पहले किया था कि तुम्हारे पास स्टेडियम नहीं है, हमारा मेहरा वर्मा जी का यही प्रयास रहा सरकार से लड़ते लड़ते, तिवारी जी के समय उसकी भूमिका बनी, जमीन का अलॉटमेंट हुआ, बागुना जी ने फिर उस पर जाकर स्टेडियम का काम शुरू कराया, रावत जी ने उसको पूर्ण कराया, तो दो भव्य स्टेडियम हमारे पास बन गए, एक रायपुर का राजीव गांधी स्टेडियम, एक हल्द्वानी का स्टेडियम जो एशिया के बेस्ट स्टेडियम माने जाते हैं, लगभग 30,000 कैपेसिटी के हैं। फिर हमने BCCI का अब तो मान्यता दो मेरिट पर दे दी, जिसको भी हो, हमारे जो यूनाइटेड क्रिकेट थी गोसाई जी की, वो त्रिवेंद्र जी पहले जिसके अध्यक्ष थे, वो भी हमारे साथ मर्ज करके थे, उसका भी एक असर हुआ, सरकार का भी असर हुआ, सारे 4-5 स्टेडियमों का लिख के दिया गया, सरकार ने भी लिखा कि स्टेडियम हम इनको मान्यता मिलती दे देंगे, तो सरकार का विशेष रूप से इसलिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे साथ खड़े रहे, कोई किसी तरह के मतभेद नहीं थे, उसका भी असर पड़ा और BCCI को अंतोगत्वा मान्यता हमको देनी पड़ी। एक लंबी, मैं समझता हूँ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था, अब टैलेंट का भी प्रतिभा का, जब हमारी कंसेस कमेटी बनी, जब हमारी टीमों को देश में खेलने का मौका मिला, चाहे गर्ल्स की, चाहे अंडर 16, 19, 23 और सीनियर टीम है, सब टीमों ने सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँची है, तो दुनिया को पता लगा उत्तराखंड में क्रिकेट है। हमारे संसाधन नहीं थे लेकिन पूरा लोहा लिया, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश, बंगाल, सबसे यहाँ पर हमारी टीमें फाइनल तक ऑल इंडिया में पहुँची हैं, तो यहाँ पर टैलेंट है, प्रतिभाएं, उनको आज संवार करके रखने का, जोड़ करके हम इस तरह मौका मिलेगा।